नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो गाइस। धमाका 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 धमाका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। जी हाँ, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि निफ्टी करेगी यू टर्न विद साइडवेज। पहले साइडवेज करेगी, फिर यू टर्न करने की तैयारी करेगी 4 नवंबर तक, एंड बैंक निफ्टी भी यू टर्न करेगा। देख लो, आज तकरीबन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस खुल के बंद हुआ, और हमने हिंदुस्तान जिंक रिकमेंडेशन किया था, मोर देन आज भी धमाका दे रहा है स्टॉक कैश में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बंद हुआ 328 अंकों के साथ प्लस में बंद हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को क्रैक डाउन करके हम लोगों ने सही डिसीजन निकाला। देखो, मार्केट में 500 अंकों की से ज्यादा की मूवमेंट की तेजी देखने को मिली, और ये वाली कैंडल हम लोगों को देखने को मिल रही है बंद हुई। और मैंने आप लोगों को चलती मार्केट में बता दिया था कि इस तरीके से 2 आवर्स की टाइम फ्रेम पर, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इस जोन से मैंने आपको कहा कि बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ये वाला वो सिचुएशन था, देख लीजिए, और ये मैंने वो प्रिडिक्शन था जो मैंने आपको कहा था। लुक एट दिस, ये है निफ्टी का साइडवेज। देखो, निफ्टी का साइडवेज तो हमने पहले ही बोल दिया कि निफ्टी में साइडवेज ये आएगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर आज दिन भर साइडवेज ही रहा है। पॉसिबिलिटी है कि कल भी साइडवेज ही हो सकता है निफ्टी में। याद रखना, निफ्टी साइडवेज है, मंडे के पहले मूवमेंट ज्यादा नहीं देगा, पहले नोट करवा रहा हूँ। सेकेंडरी, बैंक निफ्टी में ही शार्प कवरिंग थी, ये चीज तो मैंने कल ही बोल दी थी, और यहां से यहां तक की रिकवरी देखो, मतलब 51,200। कल हमने बोला था कि रिकवरी आएगी, देखो पॉसिबिलिटी थी और रिकवरी भी आई है। तकरीबन 500 अंकों की सुबह सुबह खुलते से हम लोगों को प्रॉफिट मिला, और बहुत बढ़िया 51,600 की कॉल ऑप्शन में। लुक एट दिस, सिग्नल भी था हमारे पास कि ऑपरेटर स्ट्रेटजी में, और ये सिग्नल सुबह सुबह ही चलता हुआ नजर आया है। 2 मिनट हम दिखा देते हैं, ये रहा वो सिग्नल। लुक एट दिस, ऑपरेटर का एंट्री और ऑपरेटर का एग्जिट आप देख सकते हैं। 51,600 की कॉल ऑप्शन में सुबह मॉर्निंग में 9:45 पर खरीदारी का सिग्नल आया बैंक निफ्टी में, प्लस ऑप्शन के डेटा में भी एंट्री और एग्जिट दिखाई होगी। आपको एग्जैक्टली जूम करके दिखा रहा था, देख सकते हो आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अब कल क्या होगा बैंक निफ्टी में, इस सवाल का जवाब लेते हैं। और यदि आप ऑपरेटर स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो सेल लगा दिए हम लोगों ने, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। और यदि कोई सवाल है, और यदि आज के दिन आपने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया है बैंक निफ्टी में, कितना कमाया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ईमानदारी से, है ना, है ना। तो सेल लगा दिया, 10,000 का मेगा डिस्काउंट ऑफर दिया है, बोथ कोर्सेस पे दे दिया। मतलब 25,000 रुपीज का कोर्स हमने 15,000 रुपीज कर दिया है डिस्काउंट के साथ में। सेकेंडरी, 5 डेज की क्लासेस 35,000 का कोर्स हमने 25,000 में कर दिया, 10,000 रुपीज का ऑफ दिया है। और उसमें लिमिटेड सीट बुकिंग शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी 3 सीट बुक हो चुकी है, फाइनली 3 सीट बुक हो चुकी है, 2 सीट खाली है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो क्लासेस होगी VIP में। VIP का मतलब आप और मैं, एक साथ 100 लोगों को बिठा के नहीं सिखाऊंगा मैं, ओके, लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। स्पेशली आपको पूरा व्यू बताऊंगा कि कहां पर ऑपरेटर एंट्री करेगा, कैसे एंट्री करेगा, कौन कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, पूरा ऑप्शन का डेटा के साथ हम लोग बैठेंगे वहां पर, और एंट्री और एग्जिट का पूरा हम प्लान बनाएंगे, कहां और एंट्री और कहां और एग्जिट हो रही है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो 2 डेज की क्लासेस और 5 डेज की क्लासेस हैं यहां पर, यदि आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, लिमिटेड सीट, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को लगा के चेक करते हैं कि क्या बोलता है, नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, ओके। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल ही हम लोगों ने बोला था डाउन लोन्स करेगा रिकवरी, निफ्टी भी कर सकता है फ्लैटिश, एंड बैंक निफ्टी कर सकता है धमाका, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन नंबर 1, कल के लिए हम देखो, हमने तो पहला व्यू बता दिया है कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है, और ऑलरेडी डेट विद टाइमिंग के साथ पूरा हम लोगों ने चैप्टर बता दिया कि 4 नवंबर तक का हमने पूरा डेटा बताया है कि मार्केट में इतना बड़ा जंप आ सकता है, ये वाला। जी हाँ, मतलब 53,900 तक आ सकता है, 53,500 तक आ सकता है, गैप फिलिंग हो सकती है, 52,800 की गैप फिलिंग हो सकती है इस जगह पर। लुक एट दिस, बहुत कम शॉर्ट टाइमिंग में हो रहा है, और आज 500 पॉइंट मिल भी गए इंट्राडे में, बिल्कुल मिले हैं, ईमानदारी से मिले हैं, एंड खुलते से ही आज रिकवरी देखने को मिली। मगर कल क्या दिखाई दे रहा है, कल के लिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, बट अप ट्रेंड ही रहेगा बैंक निफ्टी, क्लियर कट दिखा रहा है। देखो, अप ट्रेंड ही रहेगा बैंक निफ्टी, और ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, मगर ऊपर की तरफ एक हर्डल बता रहा है
51,900 पे एक हर्डल बना रहा है, मतलब 400 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक हर्डल बता रहा है। यदि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट कल चल जाता है तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ सतर्कता रखनी जरूरी है। ठीक है, अब सेकेंडरी एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। ये हमारी ऑपरेटर वाली एल्गोरिदम है और इसने भी हमें सिग्नल दे दिया था सुबह वाला। लुक एट दिस सिग्नल था कि ले लो ले लो ले लो ले लो भाई, कर लो 9:50 45 मिनट पर ले लो बैंक निफ्टी को, धमाका हो गया। उसके बाद से कोई सिग्नल नहीं आया मेरी एल्गोरिदम में। ओके, क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद से कोई सिग्नल नहीं आया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज मोड में बंद हुआ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्या बोलता है, भाई साहब 5 मिनट में साइडवेज दिख रहा है, 2 घंटे में तकरीबन मार्केट यहाँ पर AI में दिख रहा है कि देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर W चार्ट पैटर्न बन रहा है, लुक एट दिस मेरी ऑपरेटर स्ट्रेटजी में, मैंने जूम करके कल बताया था और आज सुबह भी मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करके बताया था, यूट्यूब पे ही बता दिया था कि ये देखो W दिखाई दिया, जंप आ गया है यहाँ पर। देखो यही चीज मैंने कल भी बताई थी, जिन लोगों ने गौर से देखी होगी बोले यस आया सर मैंने देखी है, तो मुझे कमेंट जरूर करना ईमानदारी से कि हाँ राकेश जी मैंने देखी है, बिल्कुल जंप आया, परफेक्टली जंप आया और W चार्ट पैटर्न भी बना है। देख लो W चार्ट पैटर्न बन गया और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ऑलमोस्ट। देखो वन, ये देखो हटा देते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ना अगर निफ्टी प्रिडिक्शन निकालने का सही तरीका हम लोगों ने अब सिखा रहे हैं फाइनली, कि इस तरीके से आर्टिफिशियली निकालो, क्योंकि मार्केट का प्री प्रिडिक्शन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। लुक एट दिस और ये रिकवरी, कल तेजी के मोड में बता रहा, देखो ये मोड भी बता रहा है, W चार्ट पैटर्न जब देता है ना जब, तो तेजी का ही मोड रहता है और अभी भी ये यहाँ पर टारगेट रेड लाइन तक के टारगेट बड़े टारगेट है, मतलब बैंक निफ्टी के, तो क्लियर कट दिखा रहा है बैंक निफ्टी धमाका होगा। तो गाइस कल के दिन के जो मेरे टारगेट होंगे फर्स्ट, तकरीबन यदि बिग टारगेट के बारे में बात करूं तो सबसे पहला बिग टारगेट जो टोटल टारगेट होना चाहिए वो मेरा तकरीबन 51,900 का होगा। कल के लिए मैं इससे ज्यादा बड़े टारगेट रखना पसंद नहीं करूंगा, 400 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड करता हूं मैं और 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ऊपर की तरफ थोड़ा जाता तो है मगर हर्डल दिखाने की कोशिश करेगा, ऑपरेटर भी यही बता रहा है। बायर ने डिप हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब 700 to 800 के करीब करीब और 900 के करीब करीब पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इस तरीके से प्राइस एक्शन भी यही चीज बोल रहा है, प्राइस एक्शन जिसका आप फॉलो करते हो। लुक एट दिस, यहीं पर एक हर्डल है और उसके बाद ही एक फॉल देखने को मिल सकता है वापस से थोड़ा सा, उसके बाद ही साइडवेज, उसके बाद ही यू टर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ही सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। और निफ्टी पे यदि मैं बात करूँ तो निफ्टी पर फाइनली क्या दिख रहा है, निफ्टी पर 1-2 आवर्स चार्ट पर चले जाते हैं ऑपरेटर स्ट्रेटजी में। तो देखो इसने क्लियर कट बताया भाई साहब कि जल्दीबाजी मत करो, निफ्टी साइडवेज ही रहने के चांसेस भी ज्यादा है। कल मतलब 25 तारीख है और 25 तारीख को हम लोगों को साइडवेज चैनल में ही आ सकता है। और मैं रिकवरी का यदि मैं मोड के बारे में बात करूं कि 25 तारीख को कहां तक आ सकता है, तो 25,600 तक आ सकता है, मतलब 600 तक रिकवरी का एक चांस है, 600 तक रिकवरी का चांस है और 600-650 के बाद ही निचले स्तरों से एक रिकवरी का चांस बनेगा, कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियली दिखा रहा है। गाइस यहां तक 25,200 तक की रिकवरी आ सकती है मोर देन 4 नवंबर की तारीख तक, ये चीज दिखाई दे रही है। और क्या सेम चीज डाउ जोन्स में भी दिख रही है क्या, हमें यही चीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि डाउ जोन्स में रिकवरी आती है तो इंटरनेशनल मार्केट की रिकवरी से भी हमें फर्क पड़ने वाला। लुक एट दिस, तो यहां पर वही चीज थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि कल मार्केट हो सकता है अपसाइड दिखाई दे, उसके बाद फिर से अब ट्रेंड ही जाने की कोशिश करेगा नीचे तो ऊपर की तरफ भी। तो ये निफ्टी का प्रेडिक्शन कैसा लगा, यदि कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मगर अब जीरो हीरो के बारे में बात कर लेते हैं फाइनली, और यदि आप सीखना चाहते हो ऑपरेटर स्ट्रेटजी जल्दी करो, 2 ही सीटें खाली है जल्दी। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी डे, ध्यान से नोट कीजिएगा गाइज, रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी डे और एक्सपायरी में एग्जैक्टली क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी खराब हो गया, निफ्टी खराब हो गया है, सेंसेक्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, क्लियरली बोल रहा हूँ। लाइव मार्केट में ही देखकर बताएंगे कि जीरो हीरो या बनेगा या नहीं बनेगा। रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना। धन्यवाद।